गाइस, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो 1050 है, और यहाँ पे मेरी जो अर्निंग है ना, करेंट अर्निंग, वो 1074 रुपए की दिख रही है। यानी कि अगर आप लोग 1050 को माइनस करोगे तो यहाँ पे टोटल जो है ना 24 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मेरे को, यानी कि 10 मिनट के अंदर ना मेरे को दिख रही है, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना गाइज, देखो ये आप लोग अगर स्टूडेंट हो ना, ठीक है, अगर आप लोग यानी कि अगर आप लोगों को गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता है, बिल्कुल आप लोग बिगिनर हो, तो आप लोग डरो नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना मैं आप सभी को ना बताऊंगी कि नावी ऐप पे आप लोग गोल्ड पे ना इन्वेस्ट करके हर दिन के आप लोग कैसे यहाँ से 500, 200, 1000 रुपए तक की अर्निंग कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करने वाले हो, ठीक है। और जिन लोगों को ना गोल्ड इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, जिनको नहीं पता है ना, तो आज के इस वीडियो में ना ये बिल्कुल बिगिनर वीडियो होने वाली है, जो कि आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, और जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं उससे किस तरह से हम लोगों को प्रॉफिट बनती है, वो सारा चीज जो है ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसी वीडियो में। और आप लोगों को यहाँ पे लाइव भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1050 की है, और जो मेरी कमाई है ना वो 1074 रुपए दिख रही है, यानी कि 24 रुपीज का यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है ना यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग ना इस वीडियो को ना करते हैं शुरू, और आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है ना बहुत ही ज्यादा ना हेल्पफुल होने वाली है, अभी के लिए भी और इन फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो फाइनली गाइज, हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो ये जो नावी प्लेटफॉर्म है ना, पहले इसका जो लिंक है ना गाइज, मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है, और डालने के बाद ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल देना, फिर उसके बाद से नावी प्लेटफॉर्म का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखो, हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मैम ये जो गोल्ड पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करती हो, या फिर गोल्ड इन्वेस्टमेंट से लोग कैसे कमाई करते हैं। मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं कि गोल्ड पे इन्वेस्ट करके लोग लाखों करोड़ों की प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ना गूगल पे एक छोटा सा चार्ट ओपन की हूं, और आप लोगों को पहले चार्ट में ना ये समझाने की कोशिश करूंगी कि गोल्ड का जो कॉस्ट है ना वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, और क्या कॉस्ट होता है, और कब हम लोगों को गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो अब गाइस देखो, यहां पे ना मैं गूगल पे सर्च की हूं आज का जो टोटल कॉस्ट है ना, यानी कि 24 कैरेट का। अगर आप लोग यहां पे नावी प्लेटफॉर्म पे आओगे ना, अगर यहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, होम वाले ऑप्शन पे आओगे ना, तो आप लोग यहां से पहले देखो, आप लोग 1 रुपए से ना अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कर सकते हो 24 कैरेट गोल्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी ना 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड है, और यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट ना पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, और 1 रुपए से लेकर के आपकी जितनी मर्जी उतने से आप लोग गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सारा चीज़ गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये सारा चीज़ दिख रहा है, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे ना 1050 रुपए का इन्वेस्टमेंट की हूँ, और मेरी प्रॉफिट यहाँ पे दिख रही है। तो अब ये जो 24 कैरेट का जो गोल्ड हम लोग बाय करेंगे ना नावी ऐप पे, यानी कि जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसकी हम लोग पहले करंट वैल्यू देखेंगे आज और कल की, ठीक है। तो यहां पे प्रेजेंट हो गया और एक पास्ट हो गया, बीता हुआ कल। तो देखो यहाँ पे ना मैं 22 कैरेट यहाँ पे गोल्ड दिख रहा है हम लोगों को, और नावी पे ना 22 कैरेट का तो गोल्ड नहीं लेना है, हम लोग 24 कैरेट के गोल्ड के कॉस्ट पे चलेंगे, ठीक है, कि क्या कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रही है। तो अब जैसा कि गाइज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना 24 कैरेट गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 6000 रुपए टूडे था, ठीक है, यानी कि आज का जो कॉस्ट था ना, अगर मैं आज जा करके अगर किसी शॉप से अगर 1 ग्राम अगर मैं गोल्ड बाय करती हूँ ना 24 कैरेट का, तो मेरे को कॉस्ट 6011 रुपए मेरे को मिलते हैं, ठीक है। और अगर मैं कल जाती, ठीक है, यानी कि आज तो आज है, अगर कल जाती, जो बीत गया कल, ठीक है, अगर कल मैं जाती ना 24 कैरेट गोल्ड लेने के लिए, तो वो 1 ही ग्राम रहता, ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट मेरे को 6011 नहीं बल्कि 6000 यानी कि 16 रुपए यहाँ पे देने पड़ते, यानी कि 5 रुपए मेरे को प्रति ग्राम जो गोल्ड की प्राइस है ना वो बढ़ गई, और मेरे जेब से 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब लग गए, ठीक है। अब वैसे ही कैसे देखो, कोई भी अगर बंदा जाता है किसी शॉप पे तो वो 1 ग्राम का तो गोल्ड नहीं लेता है। अब
मान लो मैं 10 ग्राम बोलती हूँ, जैसे कि हम लोग अपने घर में ना अपने लैंग्वेज में रूलर जो लैंग्वेज लैंग्वेज होता है ना, हम लोग बोलते हैं एक भर गोल्ड, ठीक है, एक भर सोना, आपने सुना है ना, यानी कि एक भर सोना होता है 10 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 ग्राम खरीदने जाते हैं, यानी कि अगर हम लोग आज ले लिए रहते ना, तो ये 10 ग्राम सोना 60,110 रुपये का मिलता, ठीक है, 60,110 रुपये का आज ये कॉस्ट मिलता। और यही अगर हम लोग बीते हुए कल, यानी कि कल अगर हम लोग जाके लिए रहते ना, तो यहाँ पे देखो एक यानी कि लिखा हुआ है ना कि यानी कि 60,000 एक मतलब 160, तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट कितने की हो रही है, यानी कि कल बीते हुए कल के दिन ना जो कॉस्ट था ना वो ज्यादा था, ठीक है, और आज कॉस्ट कम है। तो यहाँ पे हम लोगों को इससे ये सीखने को मिल रही है और ये देखने को मिल रही है कि जो कॉस्ट की यानी कि जो गोल्ड की वैल्यू होती है ना वो माइनस और प्लस होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 50 रुपये का या तो हम लोगों का प्रॉफिट हो जाता, नहीं तो 50 रुपये का नुकसान हो जाता, ठीक है। तो यही होती है गोल्ड की वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग 100 ग्राम लिए रहते हैं ना, तो गोल्ड का जो कीमत था यहाँ पे 6 मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा 11,000, 10,000, 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
1600 रुपये पड़ जाते हैं, तो 500 रुपये का हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो जाता। तो अब गाइस देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ हम लोगों को समझ में आ रही है कि गोल्ड की जो कॉस्ट है ना वो कभी ज़्यादा कभी कम होती है। तो अब हम लोगों को गाइस देखो यहाँ पे क्या करनी है ना कि नावी प्लेटफॉर्म पे ना, मैं इसका लिंक आपको ऑलरेडी बताई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना आप लोग जैसे कि इसमें जैसे आओगे ना नावी पे, तो यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस दिखेगा। तो आप लोग ना यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ना जैसे कि अपना KYC जो है ना वो वेरीफाई कर लेना, यानी कि अपने पैन आधार कार्ड को लिंक कर देना, ठीक है। बस ज्यादा चीज नहीं करनी है। एंड उसके बाद से गाइस यहाँ पे आप लोग आओगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, ये जो होम का ऑप्शन दिख रहा है ना, होम वाले ऑप्शन पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको नावी गोल्ड दिख रही है ना, नावी गोल्ड, ठीक है। ये काम गाइस देखो ना आप लोगों को जरूर करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इन्वेस्टर हो ना और अगर आप लोग बिगनिंग लेवल पे हो, आपको नहीं समझ में आ रही है क्या होता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो वो मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में ना, यानी कि थोड़ा सा संक्षिप्त लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पे गाइस देखो आपके जेब में कभी 5 रुपए भी पड़े रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जेब में 1000 रुपए भी पड़े होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे, और इन्वेस्ट नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा KYC कंप्लीट करना होगा। अगर लो अमाउंट में गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको यहाँ पे KYC नहीं पूछी जाती है, ठीक है। और KYC कैसे कंप्लीट की जाती है, तो सिर्फ आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल के KYC कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा कि गोल्ड जो है ना, यहाँ पे गोल्ड का अपना जो वैल्यू दिख रही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखो एक चीज और समझेंगे। अब ये जो नाबी प्लेटफॉर्म है ना वो ये करता है ना कि 20% रिटर्न हम लोगों को 6 महीने में दे देता है, ठीक है। अगर आप लोग मान लो आज आपने 1 लाख रुपए का ना गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, पूरे 6 महीने के लिए, तो ये 100% गारंटी के साथ ना आपको 1 लाख का 20% यानी कि 1,20,000 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना वो देखने को, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लो 1 लाख का 20% जो प्रॉफिट है ना वो कितना होता है, ठीक है। अब देखो मेरा शायद कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा मैथ मेरा वीक है लेकिन उतना भी वीक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देखो अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे 6 मंथ, ठीक है, तो अगर हम लोग प्राइस को अगर वही इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मान लो आपके जेब में 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है, लेकिन वो जो पैसा है ना जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 6 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी है। ये एक छोटा सा आपको ना अंदाजा दिखाने के लिए ऐसा बताया गया है, ठीक है। अगर आप लोग आज इन्वेस्ट करते हो ना तो उस पैसे को आप लोग कल क्या कर सकते हो, उसे विड्रॉल कर सकते हो अपने बैंक के अकाउंट में। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है कि आप लोग उसे को विड्रॉल नहीं कर सकते हो। बस ये एक चीज बताई गई है आप लोगों को कि आप यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करोगे और कितने का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये चीज हो गई। अब गाइस देखो हम लोग क्या करेंगे ना, नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लोग जितना रुपए करना चाहते हो ना जरूर करो। अब यहाँ पे 10 रुपीज से शुरू कर सकते हो, 1 रुपए से शुरू कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे मैं फिर से क्या करूंगी ना, चलो यहाँ पे मैं अमाउंट डालती हूँ, ठीक है, मैं पूरे के पूरे 1,000 रुपए का यहाँ पे फिर से क्या करूंगी, यहाँ पे मैं गोल्ड क्या करूंगी, बाय करूंगी, ठीक है, इन्वेस्ट करूंगी। तो मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा, 168 मिलीग्राम, ठीक है, 168 मिलीग्राम। तो मैं प्रोसेड टू बाय पे मैं क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। अब जैसे क्लिक करूंगी ना तो देखो GST चार्ज यहाँ पे 3% लगता है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे 1,000 का ना, यानी कि अगर गोल्ड बाय करोगे या फिर जितने रुपए का करोगे ना, 3% आपको GST देना होगा। और इसके बाद से आप लोग ये समझ लो कि अगर आप लोग गोल्ड सेल कर
करने जाते हो ना, तो ना कोई जीएसटी देना है और ना ही कोई चार्ज देनी है, ठीक है। तो ये एक चीज जो है ना, पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब मान लो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसा वे में होता है कि जब आप लोग विड्रॉल करने भी जाते हो ना, तो वहाँ पे 3% का जीएसटी मांगा जाएगा या फिर कुछ बैंक चार्ज लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है नाबी पे, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ जीएसटी 3% देना होता है जब आप लोग बाय करोगे तो, और सेल करोगे तो कोई जीएसटी आपको नहीं देनी है। आपके वैलेट में 1,000 रुपए हैं और आप लोग उसको सेल कर रहे हो ना, तो आप लोग सेल करोगे उतना ही पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, पे नाउ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे, सॉरी गाइस कॉल आ गया। अब पे नाउ पे जैसे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोग किसी से भी ना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना, अपने फोन पे के वैलेट से यहाँ पे मैं 1,030 रुपए यानी कि 1,000 का जो है ना 3%, ठीक है, मैं पेमेंट कर दूंगी। अब यहाँ पे देखो मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे मेरा 1,000 रुपये फिर से जो है ना गोल्ड पे मैं क्या कर चुकी हूँ, ये प्रोसेसिंग हो रही है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोसेसिंग, एंड यहाँ पे फाइनली 1,000 रुपीज़ का मेरा जो गोल्ड है ना वो यहाँ पे मैं बाय कर चुकी हूँ। देखो यहाँ पे मैं कितने सारे गोल्ड बाय कर चुकी हूँ, 1,030, 1,051 रुपये, ठीक है। एंड इतने सारे गोल्ड बाय करूँगी और इधर मैं क्या करूँगी, बैक आऊँगी एक बार, ठीक है। मैं इधर बैक आऊँगी और बैक आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना 2,050 रुपए का है, ठीक है। और मेरी जो करेंट वैल्यू है ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2,097 रुपए। तो अब ये जो आप लोगों को प्रॉफिट भी यहाँ पे हल्की फुल्की दिख रही होगी, ठीक है, 47 रुपीज की प्रॉफिट आपको दिख रही होगी। तो 47 रुपीज, अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे ना, 24 आवर के बाद ना इस पैसे को आप लोग सेल भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 6 महीने तक ही इस पैसे को आपको यहाँ पे रखना है, ऐसा नहीं है। 24 आवर के बाद आप लोग जितना भी कॉस्ट रहेगा या आप लोग क्या करोगे, नीचे आओगे और सेल गोल्ड पे क्लिक करोगे और इस पैसे को आप लोग सेल कर सकते हो। अगर छोड़ना है ना, अगर ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बस एक अंदाजा दिला रही हूं कि कैसे आप लोग अपने गोल्ड को सेल करोगे। तो यहां पे आपका जो गोल्ड है ना यहां पे अवेलेबल है, इस पे क्लिक करोगे। अभी ये अनहाइलाइटेड है क्योंकि 24 आवर्स के बाद ही हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज है और यहां पे अपना जो भी गोल्ड है ना वो सारा चीज दिखेगा। सेल पे क्लिक करोगे तो आपका गोल्ड सेल हो जाएगा और आप यहां पे बैंक अकाउंट लिंक करोगे तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भी रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और करेंगे, एक चीज का और यहाँ पे हम लोग क्लियरफाई करेंगे कि जैसे कि मान लो आपके जेब में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, तो आप लोग 1 रुपए से शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है ना कि आपके पास जितने पैसे है ना उसका, मतलब ज्यादा पैसा है ना तो उसका रिटर्न जो है ना आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, और कम है तो कम ही मिलेगा। 500 रुपए तो 500 का तो आप लोग समझ सकते हो ना, 500 का आपको 40-50 ऐसे करके, और 1,000 है, 2,000 है, तो इस तरह करके यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो लोग भी गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैं भी अब सीख रही हूँ गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि काफी अच्छा रिटर्न जो है ना वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, जो कि आप लोगों के सामने सारा का सारा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये था गाइज आपको नावी प्लेटफॉर्म पे गोल्ड के बारे में कैसे इन्वेस्ट की जाती है। और आप लोगों के लिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ठीक है। अब जैसे कि ना आप लोगों को मैं ना एक चीज और बताऊंगी, जो नावी प्लेटफॉर्म है ना वहां पे आप लोगों को ना यानी कि रेफर एंड अर्न करके भी ना आप लोग 200 रुपए की प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब ये चीज जो है ना गाइज आप लोगों के लिए काफी बढ़िया ये ऑप्शन निकल के आई हुई है, जो कि आप लोग बड़े इजी तरीके से आप लोग 200 रुपए का ना प्रति ज्वाइनिंग पे आप लोग अर्निंग करोगे, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये किस तरह से आपको ये, मतलब जो रूल्स है ना कैसे आपको 200 रुपए पर यानी कि पर ज्वाइनिंग का मिलने वाला है, तो ये सारे चीज़ जो रूल्स है ना वो आप लोगों को कैसे फॉलो करनी है वो चलो मैं आप लोगों को ना गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, आप लोगों को यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र दिख रहा होगा, ठीक है। और आप लोग प्रति ज्वाइनिंग 200 रुपए की अर्निंग करोगे। और अगर आप लोग यहाँ पे गूगल पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे tenpro.in सर्च कर देना, जैसे सर्च करोगे तो फर्स्ट ही नंबर पे आपको tenpro.in का जो वेबसाइट है ना देखो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग इस पे क्या करना, क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप लोग यहाँ पे ये अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे अलाउ पे क्लिक करोगे ना नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे आ चुका है नावी ऐप रेफर एंड अर्न, ठीक है। तो आप लोग अगर रेफर एंड अर्न करके भी ना 300 रुपए प्रति ज्वाइनिंग पे अर्न करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर देना। सारा का सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग इसे फॉलो करके ना रेफर
पर करके भी बहुत अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो अर्न कर सकते हो, और नाबी पे गोल्ड इन्वेस्टमेंट करके भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये वीडियो आई होप गाइस कि आप लोगों के लिए ना यूज़फुल रहा हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है ना तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ना यानी कि सॉरी आप लोग मेरे को कमेंट में ना ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है, और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।